हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करें, हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये टोटो कौन है जिसके एडवेंचर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? यहाँ पर राइटर हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आपने कभी एक बेबी मंकी को एक पैट के रूप में रखा है, यानी कि एक बेबी मंकी, छोटा बंदर, उसको कभी आपने पालतू के रूप में रखा है या उसको कभी पालतू बनाया है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। अब ये टोटो कौन है? एक बेबी मंकी है। लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। तो चलिए अब पता करते हैं कि ये जो मंकी है वो कैसा है, मिस्चीवियस है या डोसाइल है। मिस्चीवियस मीन्स क्या होता है? शरारती या उपद्रवी आप बोल सकते हो। या डोसाइल है, डोसाइल मीन्स क्या होता है? विनम्र, यानी कि बहुत अच्छा। तो ये जो मंकी है टोटो नाम का, ये कैसा है, मिस्चीवियस है या डोसाइल है, ये हमें कब पता चलेगा? जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। यहाँ पर राइटर हमें बता रहे हैं कि उनके पास जो ये बंदर है टोटो वो कैसे आया। तो जो राइटर के, जो हमारे नैरेटर हैं इस कहानी के, उनके जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर, उन्होंने टोटो को एक तांगा ड्राइवर से या एक तांगे वाले से 5 रुपए में ख़रीदा। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉफ एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस देयर that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब दादाजी ने एक मंकी को क्यों ख़रीदा? क्योंकि ये जो तांगा ड्राइवर था या जो तांगे वाला था, इसके पास जो ये मंकी था रेड कलर का, इसको ये क्या करता था, इस छोटे से मंकी को एक फीडिंग ट्रॉफ से बांध कर रखता था। फीडिंग ट्रॉफ क्या होता है? फीडिंग ट्रॉफ होता है, इसको हिंदी में एक नांद या हौद बोलते हैं। मीन्स एक प्लास्टिक या पत्थर का एक बना हुआ बड़ा सा टब जिसमें जानवरों को खाना खिलाया जाता है। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस देयर, और जो मंकी था वो वहाँ पे बंधा हुआ बड़ा विचित्र सा लगता था। दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। विचित्र सा लगने से यहाँ पे क्या मतलब है कि जो दादाजी थे, जब उन्होंने उसको उस नान से बंधा हुआ देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा कि इस मंकी को यहाँ पर इस तरीके से बांधकर नहीं रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उस मंकी को वो अपने प्राइवेट जू में, यानी कि अपने निजी चिड़ियाघर में शामिल करेंगे। मीन्स अब यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि दादाजी का कोई अपना निजी चिड़ियाघर है। अब चिड़ियाघर है तो उसमें और जानवर भी होंगे, तो उन्होंने टोटो को भी 5 रुपए में अपने निजी चिड़ियाघर के लिए खरीद लिया। आगे देखते हैं क्या हुआ। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी, हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एडर्ली एंग्लो इंडियन लेडीज। अब यहाँ पर टोटो के बारे में बताया जा रहा है कि वो दिखता कैसा है। तो टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो कैसा था? एक बहुत ही सुंदर सा मंकी था। हिज ब्राइट आइज, उसकी जो चमकीली आँखें थीं वो उसकी डार्क भौवों के नीचे शरारत से चमका करती थी। मीन्स जो उसकी आँखें थीं वो बहुत ही शरारती थी, उनमें चमक थी शरारत की। जैसे बोलते हैं ना छोटे बच्चों के लिए, किसी किसी के लिए जो बहुत शरारती होते हैं, कि ये तो कैसा देखने में ही शरारती लगता है, इसकी तो आँखों में ही शरारत भरी हुई। उसी तरीके से ये जो बंदर का बच्चा था, ये देखने में ही बहुत शरारती लगता था, इसकी आँखें जो थी वो शरारत से चमका करती थी। और इसके दांत कैसे थे? पर्ली वाइट, बिल्कुल मोतियों की तरह सफ़ेद थे। जो ये अक्सर जब स्माइल करता था तो उनको डिस्प्लेड वो दिखते थे, जब वो स्माइल किया करता था तो वो दिखते थे। और फिर वो कैसा लगता था जब वो दांत निकाल के स्माइल करता था, कि ऐसे लगता था जो एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, यानी कि जो एंग्लो इंडियन महिलाएं हैं, वो उसको देखकर डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन जो उसके हाथ थे वो कैसे बहुत ही सूखे सूखे से लगते थे, जैसे उन्हें बहुत लंबे समय तक धूप में सुखाया गया हो। Yet his fingers were quick and wicked and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed that a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. और उसकी जो
पूंछ थी वो उसकी कैसी थी, उसके सौंदर्य को बढ़ाती थी। अब ये सौंदर्य को कैसे बढ़ाती थी पूंछ, क्या क्यों कह रहे हैं राइटर ऐसा? अब देखिए कोष्टक में दिया हुआ है कि राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं दादाजी, वो ऐसा मानते थे कि पूंछ जो होती है वो किसी के भी सौंदर्य को बढ़ाती है। इसलिए राइटर लिख रहे हैं कि जो बंदर की पूंछ थी वो उसके सौंदर्य को बढ़ाती थी और साथ ही उसके लिए उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि जो बंदर होता है वो अपनी पूंछ से बहुत काम लेता है, उससे सपोर्ट के लिए भी यूज़ करता है, बैलेंस बनाने के लिए और भी कई चीज़ों में उसको यूज़ करता है, तो एक थर्ड हैंड का काम करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और वो अपनी पूंछ के सहारे से किसी भी डाली पर लटक जाता था, इधर उधर हो जाता था, एंड इट वॉज, और साथ ही वो चीज़ें जिन जहाँ तक उसके हाथ नहीं पहुँच पा रहे होते थे उनको भी वे अपनी पूंछ से पकड़ लेता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अब इनकी घर की बात बताई जा रही है राइटर के। अब वो हमें बता रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी यानी कि दादी जो थी वो हमेशा बहुत ज़्यादा फर्स्ट यानी कि बहुत हंगामा या शोरगुल किया करती थी जब कोई क्या ग्रैंडफादर दादाजी कोई नया जानवर घर में लाते थे, जानवर या बर्ड, तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाया करती थी, मीन्स उनको पसंद नहीं आता था। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी कैप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अनटिल सी वॉज इन अ पार्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए ये डिसाइड किया गया, किस किस ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, राइटर ने और उनके दादाजी ने ये डिसाइड किया कि जब तक दादी का मूड किसी दिन विशेषता बहुत अच्छा नहीं होता तब तक हम टोटो की प्रेजेंस को उनसे छिपाएंगे, मीन्स हम उन्हें नहीं बताएंगे कि हम घर में एक मंकी ले आए हैं। कब बताएंगे, जब ये देखेंगे कि उनका मूड बहुत अच्छा है, वो बहुत खुश हैं आज, तब हम उनको बता देंगे। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. अब इन्होंने क्या किया, राइटर बता रहे हैं कि मैंने और मेरे जो ग्रैंडफादर थे दादाजी ने उसको एक छोटे से कमरे में जो कि मेरे बेडरूम की दीवार की तरफ खुलता था उसमें बहुत ही टाइट करके उसको बांध दिया वहाँ पर, और या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसा हम लोगों ने सोचा कि हमने उसको बहुत टाइटली वहाँ पे बांधा हुआ है। कैसे बांधा था, टू अ पैग फास्टन इन टू द वाल, यानी कि एक खूटी गाड़ कर दीवार में उसको उससे टाइट करके यानी कि उसको वहाँ पर बांध दिया था। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर Now stood out as naked brick and plaster. अब क्या हुआ, ये लोग बांध कर उसको कहीं पर चले गए और कुछ घंटे बाद जब ये लोग लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि राइटर हमें बता रहे हैं कि जब मैं और मेरे दादाजी उस कमरे में एंटर किए, मीन्स जब उस कमरे के अंदर गए, किस लिए गए, टोटो को वहाँ से रिलीज करने के लिए यानी कि खोलने के लिए गए, तो हमने देखा, क्या देखा, वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर्स जो कि चूजन बाय ग्रैंडफादर यानी कि ग्रैंडफादर के द्वारा चूज की हुई, सिलेक्ट की हुई कुछ ऑर्नामेंटल पेपर्स जो थे यानी कि सजावटी कागज़ जिनको आप पोस्टर्स वगैरह बोलते हो ना, कुछ अच्छे अच्छे ऐसे दीवारों पर लगाए हुए होंगे, उन सबको वहाँ से क्या हुआ था, हटा दिया था, किसने, बंदर ने, मीन्स नोच फाड़ के उसको फेंक दिया था, और वो बस अब दीवारें कैसी दिख रही थी, उनका ब्रेक यानी कि ईंटें और प्लास्टर ही दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उस बंदर ने उनको सारे कागजों को हटाकर जो कि उसके कपड़े की तरह थे दीवार के लिए, तो उसको दीवार को नंगा कर दिया और सिर्फ क्या दिख रहा है, ब्रिक्स दिख रही है और प्लास्टर दिख रहा है। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन शेड्स। और जो वो जो पैग जो कि इन्होंने खूंटी गाड़ के जिसपे बांधा था वो दीवार से निकल चुकी थी, मीन्स उसने उखाड़ ली थी उसको, और उस रूम में राइटर का जो स्कूल का ब्लेजर टंगा हुआ था उसके क्या, उसने बिल्कुल श्रेड्स टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, यानी कि जो कहते हैं ना जैसे कपड़े के चीथड़े कर दिए थे, एकदम फाड़ डाला था बुरी तरीके से। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। अब राइटर हमें बता रहे हैं कि मैं तो इस बात से चिंतित था
ग्रैंड मदर को जब ये सब पता चलेगा दादी को तो वो क्या सोचेंगी, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन मेरे जो ग्रैंड फादर थे उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। ही सीम प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, बल्कि वो तो बड़ा खुश दिखाई दे रहे थे इसके टोटो के इस कारनामे से, जो भी उस बंदर ने ये कारनामा किया उसे बहुत खुश दिख रहे थे वो। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, और क्या बोले वो, ही इज़ क्लेवर, वो बहुत चालाक है, चतुर है, गिव टाइम, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इन टू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। और क्या कह रहे हैं दादाजी, क्या सोच रहे हैं कि ये जो बंदर है ना ये बहुत चालाक है, और अगर हम लोग इसे थोड़ा सा समय और देते, मीन्स जो हम लोग अभी आ गए बीच में और इसने ये ब्लेजर वगैरह जो फाड़ा हुआ है, तो यदि अगर हम इसे थोड़ा सा और समय देते तो ये क्या करता, जो तुम्हारे जो ब्लेजर के इसने टुकड़े किए हैं ये इन सबको मिलाकर एक रस्सी बना लेता और विंडो से उस रस्सी के थ्रू भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पैट लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर, अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल एंड फॉर अ व्हाइल माई पेट गुड। अब क्या हुआ, ये सब कुछ इतना जो भी हो चुका था उस समय तक दादी को नहीं पता था कि उनके घर में एक बंदर है, इसलिए अब अभी इसको सीक्रेट ही रखना था, तो इन लोगों ने उस बंदर को नौकरों के कमरे में एक बड़े से पिंजरे में उसको शिफ्ट कर दिया, वहाँ पे रख दिया, और वहाँ पर दादाजी के और भी कई पालतू पशु जैसे एक कछुआ, एक जोड़ी खरगोश, एक पालतू गिलहरी और मेरी बकरी भी मिलजुल कर रहते थे। सब आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से फ्रेंड्स की तरह रहते थे। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंडफादर हु हैड अ लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। लेकिन अब ये जो बंदर उसमें पहुंचा, इसने क्या किया, पूरी रात किसी भी जानवर को शांति से सोने नहीं दिया, किसी भी अपने साथी को, कंपेनियन मींस होता साथी, साथी कौन थे जो और जो जानवर उसमें थे, उनको किसी को भी सोने नहीं दिया पूरी रात। और अगले दिन दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए देहरादून से सहारनपुर जाना था, तो अब उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बंदर किसी सबको परेशान करेगा, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ सहारनपुर ले जाएंगे। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. और लेकिन दुर्भाग्यवश या संयोग बस मैं अपने दादाजी के साथ इस ट्रिप पर नहीं जा सका, मीन्स मैं उनके साथ में सहारनपुर नहीं जा सका, राइटर हमें बता रहे हैं, लेकिन बट ही टोल्ड मी अबाउट इट afterwards, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में बाद में बताया। किसके बारे में बताया, राइटर क्या कहना चाहते हैं, राइटर कह रहे हैं यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि वो अपने दादाजी के साथ सहारनपुर नहीं जा सके, लेकिन जो भी रास्ते में हुआ या वहाँ पर हुआ, चूँकि वो टोटो के साथ में लेके गए थे, उस सब घटना के बारे में दादाजी ने राइटर को वहाँ से आने के बाद में बताया। क्या बताया था, पहले तो देखो उसको ले जाया कैसे गया, a big black canvas kit bag was provided for Toto. किसमें कैसे वो लेकर गए थे, एक काले टाट के थैले में टोटो को रखा गया, जिसमें with some straw at the bottom, जिसमें नीचे कुछ उसके वो रखे गए थे स्ट्रॉ, यानी कि कुछ घास वास रखी गई थी उसको खाने के लिए, वो उसका एक नया कमरा बना जिसमें उसको लेके गए। When the bag was closed, और जब उस बैग को बंद कर दिया गया, there was no escape, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. और जो ऊपर जो खुला हुआ जहाँ से बैग का खुलने का रास्ता था, वहाँ से टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था, और वो थैला इतना मजबूत था कि टोटो उसको काट कर भी अपने लिए बाहर आने का रास्ता नहीं बना सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. और जो वो अंदर उसके बैग के क्या कर रहा था, जो कोशिशें कर रहा था निकलने की बाहर, उससे बस क्या हो रहा था, निकल तो नहीं पा रहा था, उसका रिजल्ट बस इतना सा था उसकी कोशिशों का कि वो जो बैग था वो जमीन पे जब रखा हुआ था वो अंदर उसमें उछल कूद कर रहा था, तो वो बैग बार बार इधर उधर लुढ़क रहा था, और जब वो ज़्यादा अंदर उछलता था तो बैग भी थोड़ा सा उछल जाता था।
और क्या हो रहा था, एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। अब ये लोग, ये सब कहाँ पर हो रहा था, जब दादाजी देहरादून के रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो वो सब लोग उस थैले को देखकर, उनके लिए वो एक प्रदर्शनी एग्जीबिशन जैसा हो गया था। वो लोग खड़े होकर रुक रुक कर लोग उसको देख रहे थे कि इसमें क्या हो रहा है, वो जो बंदर उसके अंदर उछल कूद कर रहा था। आगे क्या हुआ, टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल्ड ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। अब सहारनपुर पहुँचने तक तो टोटो जो था वो थैले में ही रहा, परंतु जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे और दादाजी ने निकलते समय अपना टिकट कलेक्टर को दिखाया, तभी क्या किया, टोटो ने अपना सिर थैले से बाहर निकाल लिया और क्या किया, और अपने दांत दिखाए। ग्रिन मीन्स मतलब थोड़ा सा वही जो जैसे बंदर हंसता है ना, दांत निकाल के खी करता है, ऐसे उसने किया। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रांड फादर्स अनायंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अब जो टिकट कलेक्टर था वो देखकर एकदम से डर गया और थोड़ा सा पीछे हट गया, लेकिन फिर उसने जल्दी ही अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई, यानी कि बुद्धिमत्ता थोड़ी सी दिखाई, और उसने क्या कहा, दादाजी से बोला कि आपके साथ में क्या एक डॉग है और आपको नियमानुसार इसके लिए पे करना पड़ेगा, मीन्स इसका किराया देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिडंट qualify as a dog or even as a quadruped, Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. अब जो दादाजी ने क्या किया कि टोटो को बैग से बाहर निकाला और उन्होंने उसको प्रूव करने की कोशिश की कि भाई ये मंकी है और इसका कुत्ते की तरह किराया नहीं लगता है, ये सब जो उन्होंने प्रयास किया वो सब वेन यानी कि व्यर्थ गया, मीन्स टिकट कलेक्टर जो था उसने कुछ भी नहीं मानी उनकी बात और उसने यही कहा कि ये एक डॉग है और आपको इसका किराया देना पड़ेगा, और लास्ट में दादाजी को 3 रुपये उसके किराए के देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टॉइज एंड सेट, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। आप चूँकि जो अभी टिकट कलेक्टर ने जानबूझकर उसको एक बंदर को डॉग बनाकर उनको अनॉय करने के लिए, थोड़ा सा परेशान करने के लिए उसका किराया लिया, तो अभी दादाजी थोड़ा सा अपना वो दिखा रहे हैं, और उन्होंने क्या किया कि अपनी पॉकेट में से हमारा जो एक पालतू टॉर्टॉइज था, कछुआ था, उसको निकाला और कहा कि तो फिर इस मुझे इस कछुए के लिए भी पे करना पड़ेगा, इसका भी किराया देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सभी जानवरों का किराया ले रहे हैं। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टॉइज, प्रोडेडेड इट विद हिज फोर फिंगर, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज इट इज़ नॉट अ डॉग। अब टिकट कलेक्टर ने उसको पास से थोड़ा ध्यान से देखा, फिर अपने हाथ से उंगलियों से उसको थोड़ा सा थपथपाया और फिर एक थोड़ा सा स्माइल करता हुआ, जैसे इन सारी चीज़ों में उसकी जीत हो रही हो, और उसने स्माइल करते हुए बोला, खुश होते हुए कहता है, और दादाजी की तरफ देख के बोला कि नहीं, कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि यह एक डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. अब सब कुछ इतना थोड़ा समय बीत जाने के बाद दादी को भी पता चल गया कि टोटो है घर में, तो जब उनको पता चल गया और उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी, उसके बाद उसको एक आरामदायक घर मिला टोटो को, कहाँ पर, अस्तबल में, जहाँ पर उसके साथी के रूप में एक इनके जो जानवरों का परिवार था उसका एक गधा था जिसका नाम था नाना। तो इस नाना नाम के गधे के साथ में अस्तबल में इसको रहने के लिए एक आरामदायक स्थान मिला। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द अस्तबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल।
अब चूंकि पहली रात थी, उसको गधे के साथ में, नाना के साथ में अस्तबल में रखा गया था, तो नाना जो दादाजी थे वो एक बार देखने के लिए गए कि क्या वो कंफर्टेबली वहाँ पर है या नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। लेकिन वो जब दादाजी वहाँ जाते हैं तो वो एकदम से कैसे एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि नाना ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं दिख रहा था कि वो नाना ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो अपनी जो हेल्टर मीन्स क्या होता है, जो जिस वो रस्सी जो जानवरों के गले में डालकर फिर उनको बांधा जाता है, तो उसको खींच रहा था और एक जो घास का ढेर था उससे अपने सर को जितना दूर वो कर सकता था करने का प्रयास कर रहा था। ग्रैंडफादर गिव नाना स्लैप अक्रॉस हर हंचेस एंड शी जग्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। और ग्रैंडफादर ने फिर क्या किया, उसको पीछे से थोड़ा सा थपथपाया, थप्पड़ मारा उसको, नाना को, तो वो एकदम से पीछे को मुड़ा। यहाँ पर क्या हो रहा है, शी यूज़ किया गया है, मीन्स ये एक गधी आप बोल सकते हो है, यहाँ पे शी और हर उसके लिए यूज़ किया जा रहा है। तो वो एकदम से पीछे को मुड़ा और ड्रैगिंग टोटो विद हर, अब टोटो को अपने साथ खींचते हुए मुड़ी वो। तो अब ये टोटो क्यों खींच के आया उसके साथ में, ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। टोटो ने उसके जो नाना था, नाना जो गधा है, उसको उसके कानों पर, लंबे लंबे कानों पर अपने दांतों को बहुत ही सख्ती से गड़ा रखा था, मींस उसके कान को वो काट रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं बन सके। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज लार्ज बाउल ऑफ वॉर्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। अब क्या बताया जा रहा है कि टोटो की एक बड़ी जो खातिरदारी होती थी वो सर्दियों में शाम के समय में होती थी, जब दादी उसको नहाने के लिए एक बड़े से टब में गर्म पानी देती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड्स देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग अंटिल ही वॉज इन टू द वॉटर अप टू हिज नेक। अब ये जो बंदर था उसके बारे में बता रहे हैं राइटर कि वह बहुत चालाक था और क्या करता था, बहुत ही चालाकी से, चतुराई से पानी का टेम्परेचर यानी कि वो कितना गर्म है इसको अपने हाथ से चेक करता था, और फिर क्या करता था, धीरे धीरे उस टब में घुसता था, सबसे पहले एक पैर डालता था, फिर दूसरा डालता था, फिर आराम से अपने गले तक पानी में होकर वो बैठ जाता था। अब उसने ये सब सीखा कैसे था, टेम्परेचर चेक करना, फिर धीरे से पहले पैर एक डालो दूसरा डालो, तो राइटर बता रहे हैं कोष्ठक में लिखा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा उसने मुझे करते हुए देखा था वैसे ही टोटो करता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। और जब वो उसमें बैठ के कंफर्टेबल हो जाता था फिर वो साबुन लेता था और अपने हाथ में, पैर में और पूरे शरीर पर लगाया करता था, उसको रगड़ता था। वेन द वॉटर बिकेम कोल्ड ही कुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और जब पानी ठंडा होने लगता था कुछ देर बाद तो वह उसमें से निकल आता था और बहुत तेज़ी से, जितनी तेज़ी से वह दौड़ सकता था उतनी तेज़ उतनी जल्दी वो जाकर किचन में फायर के सामने, यानी कि जो भी आग जल रही होती है होती थी वहाँ पर, या चूल्हा जल रहा होता था उसके सामने बैठ जाता था और अपने आप को सुखाता था। इफ एनी वन लॉफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ। और अगर ये सब करते समय अगर कोई उस पर हंस देता था तो टोटो उससे बहुत ही हर्ट हो जाता था और फिर वो जो भी अपने नहाने का जो कार्यक्रम होता था वो नहीं करता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। और एक दिन तो टोटो ने क्या किया कि उसने लगभग वो सफल ही हो गया था अपने आप को जिंदा उबालने में। अरे भाई ऐसा क्या किया, देखते हैं आगे। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लेड। एक दिन किचन में एक बड़ी सी केटली में पानी बॉइल किया जा रहा था, मीन्स आग पर चढ़ा हुआ था पानी, बॉयल हो रहा था,
और टोटो ने उसको देखा तो अपने आप को क्या सोचा कि उस शैतानी करता रहता था, तो उसे लगा इससे बढ़िया और कुछ भी अब मेरे लिए इस समय करने के लिए नहीं है। और उसने क्या डिसाइड किया, डिसाइडेड टू रिमूव द लेड, कि उसका ढक्कन हटाने का उसने डिसाइड किया, निश्चय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर बाथ ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कोट कैटल। अब इन्होंने क्या किया कि उसकी लिड को हटा दिया, मीन्स ढक्कन हटा दिया, और पानी चेक कर ही लेते थे हाथ डाल के, इन्होंने टोटो ने पानी चेक किया होगा, तो वो कैसा था, वार्म एनफ फॉर अ बाथ, वो सिर्फ इतना ही गर्म था जितना कि नहाने के लिए उचित होता है। तो उसमें क्या किया, वो उसमें अंदर घुस के बैठ गया उस केटली में, और अपना सर और केटली का जो मुंह खुला हुआ था उससे बाहर रखा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, और ये सब कुछ थोड़ी देर ही तक सही था जब तक कि पानी ने उबलना शुरू नहीं किया, मीन्स थोड़ी देर बाद पानी बॉयल होने लग गया। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। फिर टोटो ने जब वो पानी गर्म लगा तो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया, तो केटली से जब थोड़ा वो बाहर निकला तो उसको सर्दी लगी, वो फिर से बैठ गया। टोटो देन रेज ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हाउल्ड हिम हाफ वाइल्ड आउट ऑफ द केटल। और फिर उसने थोड़ी देर तक यही करना जारी रखा, मीन्स जब वो पानी ज़्यादा नीचे से गर्म लगने लगता तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता, और ऊपर से फिर से सर्दी लगती तो फिर अंदर बैठ जाता। और ये कब तक वो करता रहा, जब तक कि वहाँ पर दादी नहीं आ गई और उन्होंने उसको लगभग आधा उबला हुआ पानी से बाहर निकाला, मीन्स अगर दादी नहीं आती तो वो उसी में उबल जाता। आगे क्या हुआ, If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अब राइटर कह रहे हैं कि अगर ब्रेन में मीन्स दिमाग में कोई ऐसा पार्ट होता है जो कि स्पेशली शरारतें करने के लिए बनाया गया हो, तो टोटो के अंदर वो जो भाग होता है शरारतों वाला, वो बहुत विकसित था, मतलब टोटो शरारतें बहुत करता था। He was always tearing things to pieces. वह हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में बांट देता था, मीन्स फाड़ डालता था चीज़ों को। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और जब भी राइटर बता रहे हैं कि उनकी कोई आंटी जो थी वो उसके पास आती थी, तो वो अपना पूरा प्रयास करता था उनकी ड्रेस को पकड़ने का और उसको फाड़ने का। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन लंच के समय यानी कि दोपहर के खाने के समय, a large dish of pulao means एक बड़ी सी प्लेट में पुलाव भरे हुए डाइनिंग टेबल पर, यानी कि जिस पर बैठकर खाना खाते हैं जिस टेबल पर, उसके सेंटर पर बीच में रखी हुई थी। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. और फिर जब हम लोग उस रूम में गए जहाँ पर वो डाइनिंग टेबल थी, तो इन लोग हमें क्या दिखा कि जो टोटो था वो स्टफिंग यानी कि भरने में लगा था अपने मुंह को, किससे, चावलों से, यानी कि जो जो पुलाव रखा हुआ था वो उसको खाने में लगा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, मेरी ग्रैंड मदर चिल्लाई तो टोटो ने उनके ऊपर एक प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, फिर एक आंटी मेरी उसकी तरफ गई तो उसने क्या किया, उनके मुंह पर पानी का ग्लास फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेक हिज एग्जिट थ्रू द विंडो, और जब दादाजी वहाँ पर आए तो टोटो ने वो पुलाव की प्लेट उठाई और खिड़की से बाहर निकल गया। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish is still in his arms. और जब हम लोग बाहर देखने गए तो हमने देखा कि वो जैकफ्रूट ट्री के मीनिंग पेड़ पर की एक डाली पर बैठा हुआ था, और अभी भी वो जो प्लेट थी वो उसके हाथ में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरी दोपहर वहाँ रहा, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमाइंड ऑन फिनिश एवरी ग्रेन, और धीरे धीरे वो उन राइस को, उन चावलों को खा रहा था, जैसे उसने निश्चय कर रखा था कि वो एक एक दाना खा के रहेगा। And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और अब चूंकि दादी माँ जो चिल्लाई थी ना उसके ऊपर, उसका बदला निकालने के लिए, उन्हें चिढ़ाने के लिए उसने क्या किया, खाने के बाद में जो प्लेट थी वो उसको ऊपर से पेड़ से नीचे फेंक दिया, और जब वो
कई टुकड़ों में, सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई प्लेट, तो वो दांत दिखाकर हंसने लगा वहां से। चैटर्ड मीन्स खुशी से चींची चींची करने लगा, जैसे जो बंदर बोलते हैं उसको चैटर्ड कहा गया है। ओबियसली टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। और अब इन सारी शरारतों से बिल्कुल ओबियस था, क्लियर था, निश्चित हो गया था कि टोटो ऐसा जानवर नहीं था जिसको हम एक लंबे समय तक अपना पालतू बनाकर रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि जो हमारे ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उन्होंने भी इस बात को महसूस किया। अब ग्रैंडफादर को स्पेशली क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि ग्रैंडफादर को बड़ा मज़ा आता था उसकी शैतानियों से। शुरुआत में जब वो उसको लेकर आए थे, जब उसने ब्लेजर फाड़ा था राइटर का, तो वो हंस रहे थे कि हाँ बड़ा चतुर है ये बंदर। तो अभी उनको भी रियलाइज़ हो गया कि हम इसको पैट बनाकर नहीं रख सकते। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस्ट ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स। और राइटर कह रहे हैं हम लोग इतने भी रिच नहीं थे, इतने भी अमीर नहीं थे कि वो जो रोज़ का फ्रीक्वेंट मीन्स लगातार वो जो नुकसान करता था, डिशेज यानी कि जो प्लेट्स तोड़ता था, कपड़े फाड़ता था, पर्दे फाड़ देता था, वॉलपेपर्स यानी कि जो दीवारों पर जो पेपर्स लगाए जाते हैं सजाने के लिए उनको फाड़ देता था, तो इन सब का हम नुकसान झेल सकें रोज़ रोज़, इतने भी हम अमीर नहीं थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। तो इसलिए फिर से दादाजी ने उस टांगा ड्राइवर को ढूंढा, मीन्स टांगे वाले को ढूंढा, और उनको दोबारा से उस टोटो को सिर्फ 3 रुपए में बेच दिया। मीन्स 5 रुपए में लेकर आए थे, परेशान होकर उसको 3 रुपए में ही बेच दिया। आई थिंक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि अभी जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया था राइटर ने कि देखते हैं हम कि ये मिस्चीवियस था या बहुत ही डोसाइल था, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये शरारती था कि बहुत सीधा साधा सा था। सो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।